Arzu Seth ka Amethi if we talk about Amethi, uh, uh, you know, how is the voter turnout been? What are the latest numbers that you can share with us? Also, Arzu, you've been, uh, you know, speaking to many, many voters since the morning. What are the main issues on their mind? Let's try and talk to some more people to understand further what the pulse of Amethi is today. Uh, well, Uday, the voter turnout till now in Amethi is 27.76%. Uh, in Uttar Pradesh and also in Amethi, it is 27.20%. .20. So, voter turnout is just okay, okay, and but uh, the people here are speaking about their issues and they are openly telling that uh, what are the development that has taken place here in the five years and what they want in the coming years too. Uh, Hamasad, uh, we have... Uh, सम पीपल ऑल्सो गोक्रॉस दैम सर वोट डाल दिया है आपने क्या कुछ ध्यान में रखे आज वोट डाला है देश के विकास के लिए हमने वोट किया है सनातन धर्म को लेकर के हमने वोट किया है विकास के लिए हमने वोट किया है और मोदी जी की गारंटी के लिए हमने वोट किया है मोदी जी ने 500 वर्षों का जो कार्यकाल था पाँच सौ वर्षों में जो हम लोगों का राम मंदिर का मुद्दा था माननीय कोर्ट द्वारा वो बनवाया गया धारा 370 हटाया गया और बहुत सारे ऐसे काम थे जैसे आप अमीढ़ी में ही नहीं पूरे देश में आपको बाईपास ओवरब्रिज और बिजली की व्यवस्था ये सब बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है इसको देख करके जो है हमने मोदी जी को वोट किया है मत बताइए अपना लेकिन ये मुद्दे बताइए मुद्दे पे बात करिए क्या कुछ लग रहा है क्या दिमाग पे है क्या इस बार चेंज की ओर देख रही है अमेठी या फिर आ, फिर से मौका देने के आप सोच रहे फिर से मौका देने के लिए अच्छा क्या कुछ काम पाँच साल में हुए जो आपको पसंद है, है जैसे अमेठी का बाईपास है अच्छा। अमेठी में सौ बेड का हॉस्पिटल है मेडिकल कॉलेज अमेठी में मतलब बॉटलिंग गैस प्लांट है अमेठी में ऑक्सीजन प्लांट है जो चीज़ें मूलभूत सुविधाएं हैं कभी अमेठी में एक्सरे नहीं होता था अमेठी में एक्सरे कराने के लिए तो आपको सुल्तानपुर जाना पड़ता था आज अमेठी में ब्लड टेस्ट और एक्सरे सारी चीज़ें फ्री होती हैं तो ये सुविधाएँ तो मिल ही रही हैं अमेठी में क्या लग रहा है सर आ, क्या इस बार बदलाव की तरह अमेठी देख रही है अमेठी देख रही है बदलाव की तरह मगर ये है कि वो पंजे पंज, इस पर नाम है कमल का फूलेब जाएगा इनकी जीत होगी ये काम कर रहे हैं हर जगह इनका आगे है और बाकी और अमेठी में हुआ है क्या काम पाँच पाँच सालों में ढेर काम भैया है पीपल आर हैप्पी विद द गवर्नमेंट वर्क आप लोग अरे डरिए मत क्या बताइए वोट और डाला है आपने क्या मुद्दे क्या है अमेठी के मुद्दे अच्छे हैं यहाँ पे यहाँ बाईपास बन गया है रोडें और अस्पताल बन गए हैं सारी सुविधाएं है अच्छी हम लोगों को मिल रही हैं सांसद जी आती है मिलने मिलने आती हैं सांसद जी आते हैं राहुल गांधी कभी नहीं आते हारने के बाद भी नहीं आए हो आपने राहुल गांधी का जिक्र किया राहुल गांधी इस बार अमेठी से लड़ भी नहीं रहे राय बरी चले गए अरे तो उनको आना था ना वो भाग के चले गए अमेठी से क्या बोल रहा है डर के चले गए, गए यहाँ से अच्छा हाँ वो जान रहे थे कि दोबारा हार जाएंगे इसी के कारण वो डर के चले गए यहाँ से वो तो कह रहे हैं कि पांच साल में अमेठी की जनता को कुछ भी नहीं दिया है आपको लग आपको मिला कुछ फायदा हुआ? बहुत कुछ मिला है हमें दो दो कॉलोनी मिली है पाँच साल में दो कालोनी मिली है और बाकी जो शौचालय व्यवस्था थी वो भी मिली है और विकास बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ा है पाँच साल में जैसे कि बाईपास बन गया अमेठी अस्पताल अच्छी बन गई पहले टूटा फूटा था बहुत सारी मुद्दे हैं और वी आल्सो हैव मोर पीपल एंड वी विल गो अक्रॉस देम टू टेक मैक्सिमम रिएक्शंस टू नो द इश्यूज ऑफ अमेठी सर क्या इश्यूज है अमेठी के और क्या कुछ दिमाग में रख के वोट किया विकास पे वोट किया गया अमेठी में विकास 5 साल में जो दिखा उसे उसी पे वोट किया गया तो विकास दिखा कि है विकास दिखा है तभी तो वोट किया गया है अच्छा जी क्या तो... कुछ काम तीन काम अच्छा बताइए जो सबको अच्छा अंडर पास कालकन का बना है ककोर बना। तीन काम आपको हमने बता दिया आप तीन काम पूछिए ना इतने काम है कि बताते बताते कम से कम दो तीन घंटे लग जाएंगे जो हुआ है अमेठी में अच्छा कोई कमी लगती है जो अमेठी में कमी है कि अगर सरकार आए तो ये काम करे अरे कमी है धीरे धीरे पूर होगी पूर भी हो रही है ये क्या कुछ इशू है अमेठी के जो आपको लगता है सरकार आए तो इस पे काम होना चाहिए देखिए इसके पहले कांग्रेस की काफी दिन यहाँ पर सांसद रही हैं राहुल गांधी रहे हैं सोनिया गांधी रही हैं लेकिन अभी तक जो विगत वर्षों से कार्य नहीं हुआ वो पाँच साल में काम हुआ है बीजेपी के कार्यकाल में अच्छा मेरा एक सवाल सब सभी से मैं पूछूंगी ये चीज़ कि अमेठी गढ़ कहा जाता था तो अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब आप लोगों को हम लोगों ने इतने साल से उनको मौका दिया है बराबर मौका मिलता रहा उनको इतने साल से सांसद रहे लेकिन जिस जो कंडीशन अमेठी की आज है इससे बेटर कंडीशन हो जानी चाहिए थी कांग्रेस के शासन में और वो ना होने के कारण ही आज चेंज हुआ है हम लोग स्मिता ईरानी को यहाँ से लाए हैं और पाँच साल में उन्होंने यहाँ बहुत सा काम कर दिया है सर uh, क्या मुद्दे हैं और क्या डेवलपमेंट uh, अमेठी में देखने को मिल रहा है पाँच सालों का काम आपको कैसा लगे काम तो बहुत अच्छा हुआ मैडम जहाँ आप खड़ी हुई हैं यह है देवी पाटन मंदिर यहाँ पे अभी देवी पाटन मंदिर में इस मंदिर के विकास के लिए लगभग लगभग सवा करोड़ रुपए का हाँ सवा करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है इसके सुंदरीकरण के लिए और यहाँ से आप तीन किलोमीटर आगे चली जाएंगी तो यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय का स्थापना हुआ है जो बच्चों की पढ़ाई के लिए मूलभूत सुविधाओं में सबसे ज़रूरी था ये बहुत बड़ी ज़रूरत थी इसको उन्होंने स्मृति रानी जी ने पूरा किया है कमी जो लगती है जिसपे काम होना चाहिए अब थोड़ी सी जो भी है उसके लिए उन्होंने कहा है यहाँ पे अस्पताल के लिए और अस्पताल का उच्चीकरण के लिए बाकी सब चीज यहाँ पे ठीक है और विकास हो रहा है ठीक है आप भी आ जाइए युवा हैं क्या मुद्दे हैं युवाओं के अगर बात करें तो एजुकेशन सेक्टर को लेकर तो यहाँ पर किस तरीके से कॉलेजेस हायर स्टडीज की कैसी फैसिलिटीज है अमेठी में देखिए अमेठी में अभी भी आ... अभी भी हायर एजुकेशन सिस्टम को हम पूरी तरह से तो नहीं कह सकते लेकिन जो अमेठी का आर कॉलेज है वो अमेठी में बहुत अच्छा माना जाता है और जो हायर एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है अभी वो अमेठी में जो पाँच साल में नहीं हुआ है और जो हुआ भी है आने वाले पाँच सालों में हायर एजुकेशन सिस्टम माननीय दीदी स्मृति ईरानी जी द्वारा लाया जरूर जाएगा उम्मीदें हैं उनसे आपको भी उम्मीदें हैं क्या लग रहा है इस बार अमेठी में बदलाव की तरफ आप लोग देख रहे हैं क्या अमेठी वो फिर स्मृति जीतेंगे और रिकॉर्ड बनाएंगे यहाँ से यहाँ पे बहुत काम जी काम हुआ ऐसा नहीं है कांग्रेस तो कह रही है पाँच साल में कुछ भी नहीं करा है जो काम हुआ जमीन भी हुआ जैसे कि यहाँ पे सड़क सड़क लाइन जुड़ अब यहाँ पे जैसे कि अस्पताल बन रहा है अशापुर में अब यहाँ पे बनेगा अभी नया जैसे कि कुछ काम हो रहा है ऐसा नहीं है कि सब ऐसे ही हवा है सब काम हो रहा है जमीन पे काम हो रहा है मैम महिलाओं के क्या मुद्दे हैं अगर अमेठी की बात करें तो महिलाओं के लिए क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है महिलाओं का गृहिणी होती है तो घर पे भी कई सारे काम होते हैं महंगाई का मुद्दा है क्या कुछ मुद्दों को ध्यान में रख के वोट किया महंगाई का मुद्दा तो कोई ऐसा नहीं है क्या महंगाई पहले नहीं रहती थी पहले भी महंगाई रहती थी बहुत पैशन अब तो बहुत ही सुविधा मिल गई हम लोगों को महिलाओं को तो इतना ज्यादा सुविधा मिल गई है कि महिलाएं मोदी जी से खुश हैं बड़ी खुश हैं यस यस क्या अमीठी की बात करें तो क्या कुछ बदलाव आप लोग चाहती हैं कि हो यहाँ पे बदलाव क्या रोजगार वगैरह थोड़ा जो कमी है वो भी पूरा हो जाएगा धीरे धीरे उम्मीद है मोदी जी की गारंटी है पूरा हो जाएगा चलिए ठीक है वुमेन्स आर हैप्पी एंड इन फैक्ट वी हैव अ यंगस्टर क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या फर्स्ट टाइम वोटर है हाँ फर्स्ट टाइम वोटर है पहले तो बताओ कितनी एक्साइटेड हो फर्स्ट टाइम वोटर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैंने बहुत अच्छे से सपोर्ट भी किया मेरे मतलब कि मन में बहुत था कि बीजेपी के लिए मैं सपोर्ट करती हूँ अच्छा। तो... क्या अच्छा लगता है कोई काम अच्छा लगा या क्यों है मुझे मेन मेरा काम अच्छा लगा मैं अयोध्या घूम के आई अयोध्या बहुत ही सुंदर बनवा रखा है उन्होंने और बाकी दे बहुत बहुत सारे शहरों शेर, में भी वो काम कर रहे हैं और बहुत चीज़ें हैं वहाँ पे आप जाएंगे देखेंगे बहुत ही सुंदर निर्माण किया है राम मंदिर का बहुत ही अच्छा है और बस थोड़ी बहुत कमी लगती है तो बेरोजगारी की लगती है लोग मतलब सरकारी छोड़ के प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं अपनी ड्रीम ड्रीम जॉब कैच नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए मैं बोलूँगी थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है लेकिन बाकी मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और अमीठी की बात करें पढ़ाई आप अमीठी में ही करती हैं नहीं नहीं मैं बनारस से पढ़ी हूँ बनारस जाना पड़ा ना मैंने के लिए तो फिर यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर भी क्या पीछ, पीछे रह गया है उसको लेकर भी काम हाँ थोड़ा बहुत पीछे है लेकिन काफी चीज़ें उन्होंने किया है इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह है काफी बच्चे पढ़ भी रहे हैं जैसे मेरा कोर्स अलग है तो मैं उसको करने बाहर गई थी मैंने मोदी जी को सामने से भी देखा है काफ़ी मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है उनको देखने का बहुत बहुत शुक्रिया सो देर यू हॉड देर मल्टीपल रिएक्शन फ्रॉम पीपल ऑन ग्राउंड देवर वुमेन देवर यंगस्टर्स देवर से Several reactions and they told about the issues of Ameti and also how they are happy about the work that has been done in the five years but they are also expecting a lot of lot more development in the education and in the uh, other sectors. videos yes subscribe to the news X YouTube channel hit the bell icon